नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर विस्तार में। ये सभी क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस, फिर चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो, उसके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस तरह के हम लोग अभी तक 56 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 57 टेस्ट है। तो चलिए, 57 टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अत्यावश्यक लोकमत के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जा सकता है। इसमें सरकार के निंद्रा के तत्व शामिल होते हैं। यह ही एक असाधारण युक्ति है जो सदन की सामान्य कार्यवाही को बाधित करती है। इसमें ऐसा कोई मामला शामिल नहीं होता है जो न्यायालय में विचाराधीन हो या हाल ही में घटित किसी घटना तक की सीमित ही सीमित रहता है और एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करता है। यह प्रस्ताव किसी ऐसे मामले पर पुनः चर्चा नहीं करता जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। उपयुक्त अनुच्छेद में वर्णित प्रस्ताव की पहचान करना है। तो ये आपका विशेष अधिकार प्रस्ताव है? नहीं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है? नहीं। निंद्रा प्रस्ताव है? नहीं। स्थगन प्रस्ताव है आपका? क्या है? स्थगन प्रस्ताव है, डी ऑप्शन है इसमें। एक बार और सही से पढ़ लीजिए। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अत्यावश्यक लोकमत के मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जा सकता है। इसमें सरकार की निंदा के तत्व शामिल होते हैं। यह एक असाधारण युक्ति है जो सदन की सामान्य कार्यवाही को बाधित करती है। इसमें ऐसा कोई मामला नहीं होता है जो न्यायालय में विचाराधीन हो या हाल ही में घटित किसी घटना तक ही सीमित रहता है और एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करता है। यह प्रस्ताव किसी ऐसे मामले पर पुनः चर्चा भी नहीं करता है जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। उपयुक्त अनुच्छेद में वर्णित प्रस्ताव आपका स्थगन प्रस्ताव है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर एक में आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्या है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक सामाजिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपका प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका बी होगा। क्या हुआ? बी ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकार याद रखिए, कुछ महत्वपूर्ण आपके मौलिक अधिकार इसी से संबंधित हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15 है आपका, वो विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद जो आपका 15 है, ये धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों को राज्य द्वारा हर तरह के भेदभाव से सुरक्षित करता है। जो आपका अनुच्छेद 17 है जो आपका, ये अस्पष्टता की प्रथा को समाप्त करता है, यानी कि छुआछूत की प्रथा एक अपराध है और किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना कानूनी दंडनीय होगा। जो आपका अनुच्छेद 19 है, ये नागरिकों को 7 विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं की मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देता है। जो आपका अनुच्छेद 23, 23, 23 और 24 है, वो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से किसी भी कारखाने, फैक्ट्री या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को विधिवत करता है। ठीक। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या है? भारत की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। क्या पूछ रहा है? भारत की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बेरुबाड़ी संघ के मामले में इसे संविधान का एक भाग माना गया, गलत है। यह संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है, सही है। यह ना तो शक्ति का ना ही
परिसीमन का स्रोत है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका बी होगा, दो और तीन कथन सही है। प्रस्तावना संविधान के बारे में निम्नलिखित चार चार बिंदुओं को प्रस्तुत करती है। संविधान के अधिकार का स्रोत जो कि भारत के हम लोग में है, दूसरा भारतीय राज्य की प्रवृत्ति, प्रकृति, संप्रभु समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। संविधान के उद्देश्य की बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि जो आपकी 26 नवंबर 1949 है। याद रखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, किसमें कहा गया था, केशवा नंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। क्वेश्चन है हमारा चार, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की गई, सही है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, इसमें सही है। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण किया गया, ये आपका गलत है। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों की बहाली की गई, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर चार में एक दो चार कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। क्या है, तीसरा आपका गलत है। 1853 के चार्टर अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, किसमें, 1853 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चार में आपका सी था, एक दो चार कथन सही था। क्वेश्चन है आपका पांचवा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विधायिका की विधि कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व थी, सरकार के कैबिनेट के रूप का अंतर्निहित सिद्धांत है, सही है। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बाद ही संसद में निम्न सदन को भंग कर सकता है, गलत है। भारतीय संसदीय प्रणाली संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर पांच में आपके दो और तीन गलत हैं, एक आपका कथन सही है। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व प्रधानमंत्री नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। इसका अर्थ है कि संसदीय प्रणाली में विधायिका को भंग करने का अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर पांच में आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है छठवा, भारतीय संघीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। आप यह विविधता के साथ साथ एकता सुनिश्चित करती है, सही है। भारतीय संघ का गठन संघ और राज्य के बीच आपसी समझौते से हुआ है, ये आपका गलत है। तो इसमें केवल एक कथन सही है। भारत के संविधान में सरकार की संघीय कार्यप्रणाली को अपनाया गया। अनुच्छेद एक भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। पहला, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह ऐसा संघ है जो अविभाज्य है, क्या है, अविभाज्य। क्वेश्चन है आपका सातवां, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद
राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे, सही है। वित्तीय आपातकाल के दौरान, गलत है। जब कोई राज्य अनुरोध करे, ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक है आपका सही। निम्नलिखित पांच असाधारण परिस्थितियों में संविधान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद आपका 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई समर्थन से संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। इस तरह का पारित कानून कोई भी संकल्प एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा और इसे आशंकवार बार आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। संकल्प के प्रवृत्त न होने पर ऐसा निर्मित कोई कानून 6 माह तक प्रभावी रहेगा। दूसरा है आपका अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है, किंतु वित्तीय आपातकाल के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 252 राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्य के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मामले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस विषय के संबंध में कानून बना सकता है। इस तरह के कानून में संशोधन या निरसन संसद द्वारा ही किया जा सकता है, ना कि संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा। चौथा प्रक्रिया होती है आपकी अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों को लागू करने के लिए संसद आप राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फिर आपकी अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसमें आपका केवल एक सही था। क्वेश्चन है 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह आपराधिक मामलों में भूत लच्छी कानून के तहत किसी व्यक्ति के दोष सिद्धि पर रोक लगाता है, सही है। सिर्फ किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सी ऑप्शन सही है, ए बी दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन। क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जून सितंबर माह के दौरान सामान्यतः मानसूनी हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, सही है। मानसूनी हवाएं मई के अंतिम सप्ताह में सफेद से पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से टकराती हैं, ये भी आपका सही है। उत्तरी मैदान में पश्चिम की ओर बढ़ने पर बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा में वृद्धि होती, ये आपका गलत है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है 9वें क्वेश्चन में, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे हर क्वेश्चन में आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पूछता कि सही है तो 1 और 2 कथन सही था, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसमें आपका तीसरा कथन सही नहीं है। क्या है? तीसरा कथन सही नहीं है। बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से टकराती हैं और 15 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेती हैं। ये इस क्षेत्र में भारी वर्षा का कारण बनती हैं। हालांकि उत्तरी मैदान में पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 3 कथन गलत था।
एक और दो सही था। क्वेश्चन है हमारा 10। क्या है? ए बन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर पाए जाते हैं। ए बन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर पाए जाते हैं। ये उन उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान लगभग 220 डिग्री सेल्सियस हो। ये वन सघन और परतों के रूप में होते हैं। भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं तथा इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर अधिक लंबाई वाले वृक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त वनों का एक प्रकार है? ये जो पूरी विशेषताएं बताई गई है ये किस तरह की वन की विशेषता है? तो ये आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी होगा। ठीक है, बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 11। वर्ष 1986 में स्थापित यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे यूनेस्को द्वारा 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों में शुष्क झाड़ियाँ, शुष्क और नरम नम पर्णपाती वन, आद्र सदाबहार वन और आद्र सदाबहार वन शामिल हैं। इसमें संकटग्रस्त प्रजाति आपकी शेर जैसी पूंछ वाले माकॉक बंदर की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। यह आरक्षित क्षेत्र है। तो यह आपका नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 12। सुबनसिरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। सही है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके दोनों कथन सही हो, यानी कि सी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है आपका 13। निम्नलिखित चट्टान समूह पर विचार करना है। कड़प्पा, आर्कियनीस, धारवाड़, कार्बोनिफेरस समूह। निम्नलिखित में से चट्टानों समूह के निर्माण को कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसमें आपका पहले होगा आर्कियन 2, फिर होगा धारवाड़ 3, फिर होगा आपका कड़प्पा 1, और फिर होगा आपका 4, कार्बोनिफेरस समूह। ठीक है, जो तो इसमें क्या होगा 2 3 1 4, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा 2 3 1 4। क्वेश्चन है हमारा 14। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। द्वीपीय देश हैं आपके। लामू द्वीप सोमालिया गलत है, सावांग द्वीप इंडोनेशिया सही है, रियूनियन द्वीप जर्मनी गलत है, सुकोत्रा द्वीप यमन, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 और 4 सही है, लेकिन 1 और 3 गलत है। जो लामू द्वीप, ये आपका जनवरी 2019 में सोमालिया के अल शबाब समूह से ने केन्या के तट पर लामू में संयुक्त राज्य अमेरिका और केन्याई सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य अड्डे पर हमला किया। लामू द्वीप हिंद महासागर में केन्या के पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर है आपका सावांग द्वीप। भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक इंडोनेशिया के सावांग द्वीप में अपने पहले डी सी पोर्ट का विकास कर रहा है।
सबांग अंडमान द्वीप समूह से लगभग 710 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और मलक्का जलडमरू के प्रवेश द्वारा इस से द्वार से इसकी दूरी 500 किलोमीटर से भी कम है, जिसके माध्यम से भारत का लगभग 40% व्यापार होता है। फिर आपका री यूनियन द्वीप जनवरी 2019 में भारत और फ्रांस ने अपने पारस्परिक सैन्य रसद समर्थन समझौते का संचालन शुरू कर दिया। समझौते के तहत भारतीय युद्धपोत हिंद महासागर में मेडागास्कर के निकट री यूनियन द्वीप समूह जैसी फ्रांसीसी ठिकाने और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर जिबूती तक पहुंच सकेंगे। री यूनियन द्वीप फ्रांसीसी क्षेत्र है जो मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में स्थित है। फिर आपका सुकुत्रा द्वीप आपका यमन के कई नागरिकों ने सुकुत्रा द्वीप के सबसे बड़े शहर और इसकी राजधानी हदीबू में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यूएई सुकुत्रा में अधिक प्रभाव स्थापित करना चाहता है, इसके लिए यूएई ने वहां एक सैन्य अड्डा बनाया, संचार नेटवर्क स्थापित किया है तथा अन्य विकास परियोजनाएं भी कर रहा है। वो सुकोत्रा जो आपका द्वीप है, ये रणनीतिक पहुंच के चलते यूएई को अपने वैश्विक व्यापार मार्गों का विस्तार करने में सहायता कर रहा है। तो इसमें 14 में आपका 2 और 4 सही था, यानी कि डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 15। उत्तर अटलांटिक संगठन संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, सही है। इसका गठन केवल सैन्य साधनों द्वारा सदस्य राज्यों की रक्षा के लिए किया गया था, यह आपका गलत है। इस गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र उत्तरी अमेरिका अमेरिकी देश है, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही है। जो आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिसे हम लोग वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉशिंगटन संधि, ये आपका 4 अप्रैल 1949 को स्थापित हुआ था, इसका गठन हुआ था। नाटो एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, इसमें वर्तमान में आपके 29 देश हैं, तीसरा 29 देश है। इसका मुख्यालय की बात करें हम लोग, तो इसमें मुख्यालय में आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। याद रखिए पहले इसमें 29 देश थे नाटो में, लेकिन अब करेंट में अभी 20 में बात करें हम लोग, तो 20 में आपके 30 देश हो गए इसमें, ठीक है, याद रखिए। और नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और अन्य सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है, इसका उद्देश्य। राजनीतिक, नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है तथा समस्याओं के समाधान और विश्वास निर्माण और संघर्षों की रोकथाम के लिए सदस्यों को सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है। सैन्य, नाटो विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रसिद्ध है। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो इसके पास संकट प्रबंधन हेतु ऑपरेशंस संचालित करने की सैन्य शक्ति है। इसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कनाडा भी गठबंधन में शामिल उत्तरी अमेरिकी देश है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर हिंद महासागर में प्लास्टिक कचरे को हटाने के लिए एक भारतीय पहल है, गलत है। प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य हिंद महासागर में सांस्कृतिक वाणिज्यिक और धार्मिक अंतःक्रियाओं की विविधता का दस्तावेजीकरण करना है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है।
हमारे तटों से परे देशों के साथ अधिक विश्वास निर्माण और समुद्री नियमों का सम्मान करने, मानदंडों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से सहयोग करना भी शामिल है इसमें सागर में। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 17। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए होगा। लोकतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा, अर्थात लोगों का शासन। क्वेश्चन है आपका 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। गलत है। व्यक्ति के स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दूसरा कथन आपका सही है, पहला गलत है। वह एक निरंकुश सरकार होती है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 19। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान में शोषण के खिलाफ अधिकार की परिकल्पना की गई है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये भी गलत है। कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में 1 और 4 आपका सही है, 2, 3 गलत है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 23-24 में शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 23 है 23, इसमें मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम पिति सिद्ध किया गया है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के अनुराय अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। जो आपका अनुच्छेद 24 है 24, यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उन्हें किसी कारखाने या कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य संकटमय नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा इन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका 1 और 4 सही था, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 20। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य निम्नलिखित के लिए प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों के एक दूसरे के से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए मध्यस्थता द्वारा प्रोत्साहन देने का। ठीक है, तो इसमें आपका बी होगा। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी आगे देखते रहेंगे।